गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइस, 2022 का एंड आ चुका है और 2023 आने वाला है, और आप में से बहुत सारे लोगों ऐसे ही डिसाइड कर रहे हैं कि हमें पीसी लेना चाहिए या फिर लैपटॉप लेना चाहिए, वो भी 2022 के एंड तक। अगर ऐसा कोई डाउट है तो ये वीडियो पूरा का पूरा देखिए गाइस, क्योंकि बहुत ही लंबा होने वाला है ये वीडियो, पर सब्र से देखना है वीडियो। अगर जो लोग पीसी लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो लोग अगर लैपटॉप लेना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, जो लोग पीसी या लैपटॉप लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। तो गाइस, पहले कुछ बात बताऊंगा तो ध्यान से उस बात को जरूर सुनिए। तो गाइस, अगर पीसी लेना चाहते हैं, लैपटॉप लेना चाहते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको पहले समझना पड़ेगा। तो देखिए, जो पीसी होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, जो लैपटॉप होता है हमें पता है फोल्डिंग होता है, हम जहां का भी जाते हैं तो कैरी करके हम ले जा सकते हैं, पर पीसी ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो कंप्यूटर यानी जो पीसी होता है वो एक पोर्टेबल होता है, जैसे कि देख सकते हैं कि जो पीसी है वो जो कैबिनेट होता है, जो यानी देखा जाए तो जो सीपीयू जो होता है, जो कैबिनेट के अंदर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलता है, जैसे कि देखा जाए तो प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड, रैम और को मिलता है उसके अंदर। पर देखा जाए तो जो लैपटॉप है उसके अंदर भी ऐसे सब कुछ पार्ट्स है उसके अंदर, पर वो जो है वो बहुत ही छोटा होता है। जो कंप्यूटर का जो सीपीयू है उसके अंदर जो पार्ट्स है वो बहुत ही बड़ा होता है, यानी अगर आप देखा जाए तो जो जितना ज्यादा बड़ा होता है उसका कैपेबिलिटी यानी जो है सब कुछ बहुत ही ज्यादा वो कैप्चर ज्यादा कर सकता है, पर जितना ज्यादा छोटा होता है उसके अंदर अगर पार्ट्स थोड़ा सा कम है तो वो उतना ज्यादा कैपेबल नहीं होता है। एक लैपटॉप अगर आप परचेस करके घर में लेके आए और देखा जाए कि एक साल के अंदर उसे कुछ भी डैमेज हुआ, अगर आप घर में उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो बात बिगड़ जाता है। पर सीपीयू में ऐसा नहीं होता है, आप चाहे तो खुद असेंबल कर सकते हैं, किसी दूसरे के साथ असेंबल कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर 6GB रैम है, आप उसे बदल के 12GB 8GB रैम सीपीयू में डाल सकते हैं, पर ऐसा लैपटॉप में इम्पॉसिबल। गाइस, जो सीपीयू का जो चीजें होता है और जो लैपटॉप का जो चीजें होता है दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखा जाए तो एक जो सीपीयू का जो मदरबोर्ड होता है और लैपटॉप का जो मदरबोर्ड होता है दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। सिमिलरली जो प्रोसेसर होता है दोनों का प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा सिमिलरली होता है, जो रैम, जो SSD, जो HD, जो हार्ड डिस्क ड्राइव, जो सब कुछ चीजें जो सीपीयू में होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, जो लैपटॉप में होता है बहुत ही छोटा होता है। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो देखिए, स्टोरेज बड़ा छोटा होने से कोई मतलब नहीं होता है, स्टोरेज का कैपेबिलिटी ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजें को स्टोर कर सकते हैं। पर अगर प्रोसेसर अगर रैम की अगर हम बात करें तो जो सीपीयू या फिर कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है, जो रैम होता है, जो कंप्यूटर में जो यानी जो लैपटॉप में जो प्रोसेसर होता है, जो रैम होता है, वो जितना ज्यादा बड़ा हो सकता है उतना ज्यादा आपके लिए या आप जिस काम के लिए वो खरीदना चाहता है वो सारे काम आप बेहतरीन से कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप एक पीसी लेना चाहते हैं तो पहले कुछ बात आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, आप इसे पोर्टेबली कहीं पे नहीं ले जा सकते, इसे आप घर, ऑफिस या फिर दुकान, आप कहीं पर भी इसे अगर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हो। तो गाइस, अगर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप या पीसी दोनों में अगर खरीदना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए कि जरूरत से जरूरत आप पीसी को ही परचेस कीजिए। देखिए, जो कंप्यूटर होता है वो ज्यादा से ज्यादा पावर जो एफिशिएंट ज्यादा से ज्यादा करता है, पर जो लैपटॉप है उसके अंदर कैपेबिलिटी कम होता है। गाइस देखिए, एक कंप्यूटर में जितना ज्यादा आपको प्रोसेसर और जो सीपीयू का जो फैन होता है यानी जो सीपीयू का बहुत ज्यादा पंखा जो अंदर लगा होता है वो ज्यादा से ज्यादा गर्म जो हीट होता है आपके कंप्यूटर को वो ज्यादा से ज्यादा आपको कूलिंग करने की मदद करता है। पर जो लैपटॉप में देखा जाए तो लैपटॉप में सिर्फ एक ही पंखा होता है, वो भी छोटा सा। तो गाइस, बेसिकली अगर आपको गेमिंग करना है या फिर वीडियो एडिटिंग या एनिमेशन के लिए या कोई ऑफिस वगैरह में अगर ज्यादा से ज्यादा आपको टास्क हैवी सब कुछ करना पड़ता है तो मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर से ज्यादा आप लैपटॉप से दूरी रहना, क्योंकि कंप्यूटर सबसे ज्यादा बेहतरीन है। अगर आप एक कंप्यूटर अगर खरीदना चाहते हैं, अगर वो कंप्यूटर आपको परचेस कर लिया, आपको 20 साल या फिर 30 साल आपको आराम से चला जाएगा, पर एक जो लैपटॉप होता है 3 साल के अंदर इसका कीबोर्ड डैमेज हो जाएगा। मैं कह रहा हूं गाइस, 3 साल से 4 साल के अंदर इसका कीबोर्ड डैमेज हो जाएगा। अगर आप चाहे तो दूसरे कीबोर्ड या जो कीबोर्ड आप कंप्यूटर के लिए खरीदना चाहते हैं वो कीबोर्ड लगा के भी आप काम कर सकते हैं, पर देखा जाए तो आप अगर एक पीसी खरीदना चाहते हैं तो पीसी अगर आप लेके आए घर पे और अगर आप मॉनिटर को
एक्सचेंज कर सकते हैं। देखा जाए तो आप 20 इंच 30 इंच और उसके उससे ज्यादा तो पीसी जो मॉनिटर होता है नहीं, आप चाहे तो टीवी भी लगवा सकते हैं। तो टीवी चाहे तो आप 30 40 50 इंच का टीवी भी आप लगवा सकते हैं कंप्यूटर के साथ। पर जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप पे आप जो मॉनिटर यानी जो स्क्रीन जो उसके अंदर जो पोर्टेबिलिटी होता है आप उसे तो नहीं चेंज कर सकते हैं। तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से पीसी लेना बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा अच्छा है। और गाइस और एक बात जरूर से जरूर नोट करना, देखिए आप अगर किस काम के लिए खरीदना चाहते हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे लैपटॉप ही चाहिए, मैं लैपटॉप से सब कुछ कर दूंगा, देखिए आज के दिन हर बच्चा चाहता है कि उसका जो लैपटॉप या जो पीसी है गेमिंग के लिए होना चाहिए सबसे ज्यादा। तो देखा जाए कि आपका बजट 50,000 70,000 होता है, अगर उसमें आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से गाइस आप पीसी को ही खरीदना ज्यादा से ज्यादा अच्छा होगा। मेरे हिसाब से लैपटॉप ठीक ठाक ही है, पर लैपटॉप में जो काम आप जितना ज्यादा कर सकते हैं उससे ज्यादा आप पीसी में जरूर कर सकते हैं, क्योंकि पीसी का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हर सब कुछ के लिए। देखिए बड़े बड़े जितने भी जगह आप जाइए वहां पे ज्यादा से ज्यादा आपको पीसी देखने को मिलेगा, लैपटॉप बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि लैपटॉप बेकार है, बेकार नहीं गाइस, पर मेरे हिसाब से पीसी लेना ही आपको जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। और एक गाइस देखिए जो प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेसर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एक कंप्यूटर एक पीसी के लिए। आप इंटेल का i5 i7 i9 अब खरीद लीजिए, पर जो जनरेशन होता है जनरेशन के हिसाब से जो प्रोसेसर का दाम बहुत ज्यादा बढ़ता है। देखिए जो i5 ले लिया अब जनरेशन 9th जनरेशन, एवं 10th जनरेशन, i7 ले लिया 11th जनरेशन, वो जो i5 i7 के हिसाब से जो जनरेशन होता है जनरेशन के हिसाब से आपके कंप्यूटर या फिर मॉनिटर का कंप्यूटर या लैपटॉप का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो गाइस ध्यान में रखना। गाइस आज का वीडियो इतना ही तक, तो जरूर से जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट जरूर करते हुए जाना, और ऐसे ही टेक इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के लेके आऊंगा। तो चलिए गाइस आज के लिए बाय।